Assalamu alaikum students, good morning to all of you. I hope you all are fine and studying at home. This is our media session from Sir Sayed Children's Academy and Miss Misbah. I am going to teach you literature and language classes both. Let's begin our class. Before moving forward in our lecture, make sure you have your folk tales from around the world book in your hands. So you can read the chapter with me. As you all know, today is our first lecture, and in this lecture we are going to read and understand Rip Van Winkle Part 2. Before starting Rip Van Winkle Part 2, let's take a short review of Rip Van Winkle Part 1. Rip Van Winkle was a farmer who lived in a little house with his wife and two children. He was a cheerful, friendly man and always happy to help his friends and neighbors. He spent a lot of time helping others but did not like working on his own farm, which made his wife very angry. Rip had a dog called Wolf, who is always with Rip. They often go to the inn. Rip's wife went to the inn and asked Rip to come home. But he did not want to do any work. He went out hunting with Wolf. Rip Van Winkle एक farmer था जो अपने little house में अपनी wife और two children के साथ रहता था. वो बहुत friendly भी था और उसे अपने friends और अपने neighbors की help करना बहुत अच्छा लगता था. वो दूसरों की तो help करता था लेकिन खुद अपने farm पर कोई भी काम नहीं करता था जिसकी वजह से उसकी वाइफ उससे अक्सर गुस्सा रहती थी। रिप के पास एक डॉग था जिसका नेम था वुल्फ, जो हमेशा रिप के साथ रहता था। वो दोनों अक्सर इन जाया करते थे। व्हाट इज इन? इन इज अ प्लेस वेयर अ पर्सन गो टू ईट एंड ड्रिंक। रिप की वाइफ भी उसे ढूंढते हुए इन जाती हैं और रिप से कहती है कि घर आकर कुछ काम करो, लेकिन रिप जिसे काम करना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था वो घर जाने के बजाय वुल्फ के साथ हंटिंग करने यानी शिकार करने चला जाता है। वी आर डन विद द रिव्यू ऑफ रिप वैन विंकल पार्ट 1। सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड आवर टुडेज टॉपिक व्हिच इज रिप वैन विंकल पार्ट 2। ओपन पेज नंबर 15 ऑफ योर फॉक टेल्स बुक। I'm going to read and explain page number 15. A stranger. A stranger means ajnabi. ऐसे person को हम stranger कहते हैं जिसे हम जानते नहीं हैं. One afternoon, Rip and Wolf were hunting in the mountains. There were rabbits in Rip's bag. Rip was tired. He sat down on a little green hill under some trees. On one side, he could see the Hudson River far below. On the other side was a deep, dark valley full of rocks. Rip looked up at the sun. "It will be dark soon, Wolf," he said sadly. "We must go home." एक afternoon, जब Rip और Wolf mountains में hunting करने के लिए जाते हैं, there were rabbits in Rip's bag. Rip के bag में कुछ rabbits होते हैं. वो एक ग्रीन हिल पे कुछ ट्रीज़ के नीचे बैठ जाता है. उसके एक साइड पे बहुत दूर हडसन रिवर होता है और दूसरे साइड पे डीप डार्क वैली. डीप मीन्स बहुत गहरी, डार्क मतलब जहाँ बहुत अंधेरा हो, और वैली हम कहते हैं वादी को. अ पीस ऑफ लैंड बिटवीन माउंटेन्स एंड हिल्स. माउंटेन्स और हिल्स के बीच जो ज़मीन होती है उसे हम वैली कहते हैं, और वो वैली रॉक से भरी हुई थी यानी वहाँ पर सिर्फ बड़े बड़े से पत्थर थे. रिप सन की तरफ देखता है और वुल्फ से कहता है कि अंधेरा होने वाला है, हमें घर चलना चाहिए. जस्ट देन रिप हेयर्ड अ वॉइस. रिप वैन विंकल. रिप वैन विंकल. ही लुक्ड राउंड. ही कुड नॉट सी एनीवन. आई मस्ट बी ड्रीमिंग, ही थॉट. ही बिगन टू वॉक टूवर्ड्स हिज होम. Then he heard the voice again. Rip Van Winkle. Wolf gave a low growl. He looked down into the valley. Rip looked too.
जैसे ही रेप अपने घर जाने के लिए उठता है, उसे कुछ आवाज़ आती है जैसे कोई उसका नाम बुला रहा हो, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल। वो इधर उधर देखता है लेकिन उसे कोई भी नज़र नहीं आता। वो सोचता है कि शायद मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। अब वो फिर से अपने घर की तरफ जाने लगता है और फिर दोबारा उसे कोई बुलाता है, रिप वैन विंकल। वुल्फ वो आवाज़ सुन के लो ग्रोल करता है। ग्रोल मीन्स गुस्से में आवाज़ निकालना, यानी गराना। वो वैली की तरफ देखता है और रिप भी वहीं देखता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ टर्न योर पेज एंड ओपन पेज नंबर 16। ही सॉ अ मैन मूविंग अबाउट इन द मिडल ऑफ द रॉक्स। रिप वॉज सरप्राइज टू सी एनी वन देयर। परहैप्स इट्स वन ऑफ माई नेबर्स। परहैप्स ही नीड्स हेल्प, थॉट रिप। कम ऑन वुल्फ, ही सेड, लेट्स गो डाउन एंड सी। जब वुल्फ और रिप नीचे वैली में देखते हैं तो उन्हें एक आदमी नजर आता है उन रॉक्स के बीच। रिप बहुत हैरान हो जाता है किसी को वहाँ देखकर, लेकिन फिर वो सोचता है कि शायद ये कोई मेरा नेबर है, शायद इसे मेरी मदद की ज़रूरत हो। तो वो वुल्फ से कहता है कि चलो नीचे चल के देखते हैं। वुल्फ ग्रोल्ड अगेन। ही एंड रिप डिड नॉट नो द मैन। द स्ट्रेंजर वॉज शॉर्ट एंड स्क्वायर लुकिंग। He had thick grey hair and a grey beard. His clothes were strange and old-fashioned. He wore blue trousers with buttons down the sides. His blue-grey coat had a thick belt around the middle. He was carrying a small wooden barrel. He waved to Rip. Wolf उस person को देख के फिर से growl करता है क्योंकि वो और Rip उस man को नहीं जानते। उस स्ट्रेंजर की हाइट बहुत शॉर्ट होती है और वो दिखने में बहुत ओल्ड टाइम्स का लग रहा होता है। उसके थिक ग्रे हेयर्स और ग्रे बियर्ड होती है, बियर्ड मीन्स दाढ़ी। उसके क्लोथ्स भी बहुत अजीब होते हैं और बिल्कुल ओल्ड फैशन होते हैं। उसने ब्लू ट्राउज़र्स पहने होते हैं जिसके साइड में कुछ बटन्स लगे होते हैं। उसके ब्लू ग्रे कोट के मिडिल में एक थिक बेल्ट होती है और उसने अपने हाथ में एक स्मॉल वुडन बैरल पकड़ा हुआ होता है। बैरल एक वुडन कंटेनर होता है, सिलेंडर शेप का, जिसमें वाटर या ऑयल रखा जाता है। और वो स्ट्रेंजर रिप को देख के वेव करता है। अ गेम ऑफ नाइन पिंस। ही नीड्स हेल्प, थॉट रिप। He walked up to the man and helped him carry the barrel. Together, they climbed up the hill along the dry bed of a stream. There was a noise like thunder a long way away. The noise came from another valley between dark rocks. Thunder, thought Rip. But the sky was blue and there was no rain. Rip sochta hai ki us stranger ko uski madad ki zarurat hai. तो वो उसके पास जाता है और उसकी उस बैरल को उठाने में मदद करता है। और फिर वो दोनों एक खुश्क नदी के साथ साथ चलते हुए हिल के ऊपर चढ़ने लगते हैं। वो लोग ऊपर ही चढ़ रहे होते हैं कि रिप को अचानक थंडर की आवाज़ सुनाई देती है। थंडर मीन्स बादल का गरजना। वो नॉइज़ एक और वैली से आ रही होती है जो उन रॉक्स के बीच में होती है। रिप सोचता है कि स्काई भी ब्लू है और कोई बारिश भी नहीं हो रही, फिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। दे क्लाइम्ड एंड क्लाइम्ड। एट लास्ट दे केम टू अ स्मॉल वैली। देयर वर हाई वॉल्स ऑफ रॉक ऑल अराउंड इट। रिप सॉ 9 or 10 मैन। ऑल द मैन हैड बियर्ड्स एंड दे ऑल वोर स्ट्रेंज ओल्ड फैशन क्लोथ्स लाइक द स्ट्रेंजर। दे वर प्लेइंग 9 pins with big wooden balls. The man took it in turns to roll a heavy ball towards a group of pins. The heavy ball made a noise like thunder. वो उस हिल को क्लाइम करते रहते हैं और वो फाइनली एक स्मॉल वैली में पहुंच जाते हैं। उस वैली के हर तरफ हाई वॉल्स होती हैं रॉक से बनी हुई। रिप वहाँ कुछ 9 or 10 मैन को देखता है
उन सब की ही बियर्ड्स होती हैं और उन सब ने ही स्ट्रेंज और ओल्ड फैशन क्लोथ्स पहने होते हैं उस स्ट्रेंजर की तरह, और वो नाइन पिंस खेल रहे होते हैं कुछ बिग वुडन बॉल से। सब अपनी अपनी बारी पे आते हैं और उस हैवी बॉल को रोल करते हैं उन नाइन पिंस की तरफ, और वो हैवी बॉल जब रोल होती है तो उसमें से थंडर की आवाज़ आती है। नाउ टर्न टू पेज 17। वन ऑफ देम लुक्ड मोर इम्पॉर्टेंट देन द अदर्स। ही वॉज अ टॉल ओल्ड मैन। ही वॉर अ टॉल हैट विद अ बिग फैदर। ही वॉर अ ब्लू कोट एंड ही हैड अ सॉर्ड इन हिज बेल्ट। हिज सॉक्स वर रेड एंड हिज शूज हैड बिग राउंड रेड बटन्स लाइक फ्लावर्स। दे लुक लाइक द पीपल इन द ओल्ड पिक्चर ऑन द इन वॉल, थॉट ट्रिप। द पिक्चर शोड अ क्राउड ऑफ डच मैन इन ओल्ड फैशन क्लोथ्स। उनमें से एक आदमी बहुत इम्पॉर्टेंट लग रहा होता है बाकी सबसे। वो टॉल होता है, उसने अपने सर पे हैट पहना होता है और उसके हैट पे एक बड़ा सा फैदर होता है। उसके ब्लू कोट की बेल्ट में एक स्वॉर्ड होती है और उसके सॉक्स रेड होते हैं। उसके शूज़ पर एक बिग रेड बटन होता है जैसे कि एक फ्लावर हो। रिप सोचता है कि ये लोग बिल्कुल उन लोगों की तरह दिखते हैं जो उसने इनकी वॉल पर लगी एक पुरानी पिक्चर में देखे थे। उस पिक्चर में डच मैन का एक क्राउड था जिन्होंने ओल्ड फैशन क्लोथ्स पहने हुए थे। डच आर द पीपल हु लिव इन नेदरलैंड। नेदरलैंड में रहने वालों को हम डच कहते हैं। लाइक वो लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं हम उन्हें पाकिस्तानी कहते हैं, एंड जो इंडिया में रहते हैं हम उन्हें इंडियंस कहते हैं। सो द पीपल हु लिव इन द नेदरलैंड, जो नेदरलैंड में रहते हैं हम उन्हें डच कहते हैं। और वो रिप को बिल्कुल डच मैन की तरह लग रहे होते हैं जिसकी पिक्चर उसने इनकी वॉल पर देखी थी। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल रीड द रिमेनिंग चैप्टर इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन यू हैव टू डू योर होम टास्क विच इज डू रीडिंग ऑफ रिप वैन विंकल पार्ट 2। दैट मीन्स कि आपको इस चैप्टर की रीडिंग करनी है एंड देन you have to make pictorial title page of Rip Van Winkle part 2 in English literature copy. और फिर आपको अपनी English literature की copy में Rip Van Winkle part 2 का title page बनाना है। Make sure कि title page बनाने से पहले आपका सारा previous work जो class में करवाया गया है वो complete हो। Alrighty students, see you in the next class. Till then, keep watching and keep learning. Take care of yourself. Allah Hafiz.